Hello, my dear students of Athena Academy. Today, I am going to teach you a lesson from your Hindi book. The lesson name is Swatantrata Ki Or. Swatantrata Ki Or. And the lesson number is 9. 9. So, let's start. Bachcho, आज मैं तुम लोगों को यह लेसन सिखाने जा रही हूँ. लेसन नेम स्वतंत्रता की ओर. स्वतंत्रता की ओर. बच्चों, स्वतंत्रता का मतलब है स्वतंत्र. हमारे देश भारत पहले स्वतंत्र नहीं थे. 1947 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होने के लिए महात्मा गांधी जी ने अर्थात बापू ने क्या क्या था, कौन सी आंदोलन की थी या किन किन चीज़ों के लिए कर दिया था, वह सब बातें इस लेसन में है. और यह लेसन एक बच्चे के ऊपर आधारित है, अर्थात एक बच्चे को अपने साल के अनुसार अर्थात एज के अनुसार जो काम अच्छा हो सिर्फ वही काम करना चाहिए. तो बच्चों, तुम लोग अपनी अपनी हिंदी बुक निकालो और इस लेसन को देखो. बच्चों, इस लेसन में यह कहा गया है कि एक बच्चा था जिसका नाम धनी था. धनी आश्रम में रहता था. धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है. योजना मतलब बच्चों प्लान. हम कुछ काम को मकसद देने के लिए जैसे प्लान बनाते हैं, ठीक उसी तरह योजना बना रही है. आश्रम में कोई बड़ी योजना बना रही है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता. वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ. धनी मन ही मन बड़बड़ाया था. धनी और उसके माता पिता बड़े खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में. और उस साबरमती आश्रम में पूरे भारत से लोग रहने आते थे. गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे. जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते. साबरमती आश्रम में सब लोग कोई ना कोई काम करता था, जैसे कि खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना आदि काम करना पड़ता था. लेकिन धनी का काम था एक बकरी का देखभाल करना. वह बकरी आश्रम की थी. उस बकरी का नाम था बिन्नी. बिन्नी धनी की अच्छी दोस्त थी, इसलिए धनी को बकरी की देखभाल करने का काम बहुत पसंद आया और उससे बातें करना भी धनी को बहुत अच्छा लगता था. उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिला रही थी और खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए धनी ने बिन्नी को कहा था, कुछ बात तो जरूर है बिन्नी. आश्रम के सब लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते थे. कोई अर्थात कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ. बिन्नी ने घास सवाते सवाते हुए सिर हिलाया. सिर यानी बच्चों हेड. अपने हेड को हिलाया था, सिर को हिलाया था, जैसे कि बिन्नी धनी की बात को समझ गई हो. धनी को भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी धनी को. फिर कुंती फांती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की ओर चला और जहाँ पर उसकी माँ सुल्हा फूक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था. और धनी ने जाकर अम्मा से कहा, यानी अपने माँ से कहा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? माँ, धनी की माँ ने खांसते हुए बोली,
वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। तब धनी ने कहा, यात्रा कहाँ जा रहे हैं? तब धनी की माँ ने जरा गुस्से से बोली थी, समुद्र के पास कही, अब सवाल पूछना बंद भी करो और जाओ यहाँ से धनी, पहले मुझे खाना पकाने दो। फिर धनी रसोई घर से निकलकर सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ पर एक बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। और धनी ने बिंदा सासा को देखकर कहा, बिंदा सासा, और धनी बिंदा सासा के पास जाकर बैठ गया और कहा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? तब बिंदा सासा ने अपने सिर को हिलाकर मना कर दिया। बिंदा सासा के कुछ बोलने से पहले ही धनी ने उतावले होकर फिर से बिंदा सासा को सवाल किया था, कौन जा रहा है, रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? फिर बिंदा सासा ने आलू खोदना रोक दिया था और कहा, मैं तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इसके पहले इस तुम्हारी इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक सबा रही है, बच्चों सबा रही है का मतलब है खा रही है। तब धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया था और फिर बिंदा सासा ने उसे यात्रा के बारे में बताया था, अर्थात धनी को यात्रा के बारे में बताया था कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे और डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे और डांडी पहुँचकर वे नमक बनाएंगे। फिर नमक वाली बात सुनकर धनी चौंक कर उठ बैठा और कहा, नमक, नमक क्यों बनाएंगे, वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। फिर बिंदा सासा ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? फिर बिंदा सासा ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। बिंदा हंसा और बिंदा सासा ने कहा, पर महात्मा जी की यह एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तब धनी ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए, पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। फिर बिंदा सासा ने धनी को कहा, बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? तो बच्चों, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुए थे तब भारत के लोगों को ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना पड़ता था, मतलब कर देना पड़ता था, नमक पर कर देना पड़ता था। यह बात सुनकर धनी हैरान रह गया और कहा कि अच्छा। तब बिंदा सासा ने कहा, नमक की जरूरत सभी को है, हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा सासा ने आगे समझाया था और यह बात सुनकर धनी बोला, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है, और धनी की आंखों में बहुत गुस्सा था। तब बिंदा सासा ने कहा, हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है, महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा था, पर उन्होंने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने यह बात ठुकरा दी थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, महात्मा गांधी जी ने निश्चय किया कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। और बिंदा सासा ने कहा,
एक महीने तक महात्मा गांधी जी पैदल चलेंगे। धनी यह बात सुनकर परेशान हो गया था और बिंदासासा से पूछा, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। तब बिंदासासा ने धनी से कहा, अगर इस लंबी यात्रा पर महात्मा गांधी जी दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बहुत शर्म की बात होगी। तब धनी ने कहा था, गांधी जी बड़े ही अकलमंद है ना। धनी की आंखें समकी, मतलब धनी का जो गुस्सा था वह कम हो गया था। तब बिंदासासा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। फिर धनी वहां से चला गया था। दोपहर का समय था, आश्रम में थोड़ी शांति साई हुई थी। धनी अपने पिता को ढूंढने चला था। वह एक पेड़ के नीचे, धनी के पिता एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे और धनी पिता के पास जाकर कहा, पिताजी क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी थी। तब धनी के पिता ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे। फिर धनी ने कहा, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तब धनी के पिताजी ने कहा, बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। फिर धनी ने हठ पकड़ ली थी, मतलब जिद पकड़ ली थी, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। फिर धनी के पिता ने चरखा रोक दिया और बड़े ही धीरज से, मतलब प्यार से धनी को समझाया, सिर्फ वे लोग ही जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। फिर धनी ने कहा अपने पिता से, ठीक है मैं उन्हीं से ही बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चला गया। धनी को पता था गांधी जी बड़े ही व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत कठिन काम था। पर धनी को वह समय मालूम था जब महात्मा गांधी व्यस्त नहीं रहते थे। सुबह का समय, महात्मा गांधी रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे और वही समय महात्मा गांधी जी व्यस्त नहीं रहते थे। अगले ही दिन जैसे सूरज निकला था, धनी बिस्तर सोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला था और वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंध गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में महात्मा गांधी जी ने अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। तब धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा, बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा, महात्मा गांधी जी ने धनी से पूछा। तब धनी ने कहा, धनी बापू। और फिर महात्मा गांधी जी ने पूछा, यह तुम्हारी बकरी है? तब धनी ने जवाब दिया था, जी हाँ यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया और कहा कि मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तब गांधी जी ने कहा, बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे थे? तब धनी ने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया था और कहा, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके यानी साहस करके धनी ने कह डाला।
फिर गांधी जी ने मुस्कुराए हुए कहा, तुम अभी सोते हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चलेंगे। तब धनी ने कहा, पर आप तो नौजवान नहीं हैं, आप नहीं थक जाएंगे? फिर गांधी जी ने कहा, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। और यह बात सुनकर धनी ने कहा, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी और भी अड़ गया, मतलब धनी जीत पे अड़ गया था। यह बात सुनकर गांधी जी ने धनी से कहा, हाँ यह बात तो ठीक है, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना सलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। गांधी जी की यह बात सुनकर धनी ने कहा, हु यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। तब महात्मा गांधी जी ने कहा, बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने बड़े ही प्यार से धनी को बोला था। और तब धनी ने कहा, जी हाँ करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो बच्चों, मैंने आज तुम लोगों को यह लेसन सिखाया है। तो बच्चों, इस लेसन में यह कहा गया है कि बच्चों के लिए जो काम अच्छा है, बच्चों को सिर्फ वही काम करना चाहिए। तो तुम लोग भी सिर्फ वही काम करना जो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम लोगों के माता पिता तुम लोगों को जो करने को कहे, सिर्फ वही ही करना। तो बच्चों, अब तुम लोग इस लेसन को अपने घर में पढ़ो, और पढ़ने के बाद कुछ डिफिकल्टी पाते हो तो मुझे फोन करो।